हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी, जो हम एमएससी की जो बुक स्टार्ट कर रखी थी, एमएससी थर्ड सेमेस्टर की। तो दोस्तों, उसका टॉपिक आज आपके पास होने के लिए जा रहा है। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक का कोर्स करवा रहे थे, तो उसका टॉपिक आपके पास मीन्स कॉस की स्पेस क्या होता है और आपके पास फोर वेक्टर क्या होता है, उस टॉपिक को दोस्तों करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दें इस लाइव सेशन में आपके पास। सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाएं। तो बात करेंगे आपके पास, सबसे पहले जो हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले ताकि भविष्य में आने वाले हर अपडेट आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास मीन्स कॉस की स्पेस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, नोट्स बढ़ाते रहे अपने साथ साथ। मीन्स कॉस की स्पेस क्या होता है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले इट इज ए हार्मोनियन आपके पास मीन्स कॉस की बोलते हैं। इट इज ए आल्सो नोन एज, इसका मैं दूसरा क्या नाम होता है सबसे पहले वो बताते हैं, हार्मोनियन मीन्स कॉस की, ये इसका दूसरा नाम है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो आपने क्या लिखनी है। सबसे पहले आप ये नोट कर ले, पॉज कर ले। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, फोर डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज मीन्स कॉस की स्पेस। तो मेन बात आपकी यहां है, जिसको आपके पास फोर डायमेंशन स्पेस जो आपने पढ़ा था, जो आपने भाई हमने करवाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था आपको, जो आपके पॉइंट थे एक्स था, वाई था, जेड था और एक आपका टी था। कितने कोऑर्डिनेट हो गए आपके यहाँ पे, चार कोऑर्डिनेट थे। तो आपके पास चार डायमेंशन में आपके पास भाई देखो, एक दो तीन तीन तो आपके पास ये होते हैं, चौथा डायमेंशन आपका भाई टी से जाता है। तो यहाँ पे चार की बात कर रखी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। डेफिनेशन आप पहले आप नोट कर लें, फोर डायमेंशन स्पेस इज नोन एज ए मीन्स कॉस की स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास फोर डायमेंशन कौन कौन से होते हैं उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। पहले आप डेफिनेशन नोट कर ले, पॉज कर ले। अब बात करते हैं, आपने ऊपर वाला दोस्तों लिख लिया होगा, तो आपके पास एक्स वाई जेड आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है। आप इसके नीचे दैट इज करके लिखे भाई, इसका हमने बताना है आपको, दैट इज आपके पास एक्स वाई जेड बी द पोजीशन है आपके पास। क्या है भाई एक्स वाई जेड, क्या है आपके पास है पोजीशन है, आपके पास पोजीशन के कोऑर्डिनेट हैं, पोजीशन आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, चाहे आप पोजीशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास एक बच गया टी, टी बी द टाइम कोऑर्डिनेट, टाइम है कोऑर्डिनेट का। एक आपके पास है पोजीशन, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके पास पोजीशन आते हैं एक्स वाई जेड होता है और टी दोस्तों आपके पास मिलके आपके पास क्या हो जाते हैं, फोर डायमेंशन स्पेस आपके पास हो जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आप नोट कर लें। फिर इसका क्या मैथमेटिकल होता है वो आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करेंगे, तो उसको आपके पास सोल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपके पास डेफिनेशन आ जाए और आपके पास उसके इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है आपके पास पूरा लिखवाएंगे।
डेफिनेशन आ जी, आप यहाँ से स्टार्ट करना, इसके बारे में ये लिखना, फिर आपका लिखवाएंगे, आपके पास जो मैथमेटिकल आता है, एस का क्या आता है, वो प्रोसेस आपको लिखवाएंगे, ये नोट कर ले सबसे पहले। इसको आप क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ए वर्ल्ड स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, नोटे, इट इज आल्सो नोन एज ए वर्ल्ड स्पेस। इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्ल्ड स्पेस भी बोलते हैं। अब बात आ जाए भाई वर्ल्ड स्पेस की डेफिनेशन आ जाए, तो आपके पास मींस कॉस की स्पेस की जो डेफिनेशन है, एज इट इज आप ये लिखें। तो दोस्तों आप ये लाइन नोट कर लें, पॉज कर लें, रिमेम्बरिंग पॉइंट में लिख लें भाई, नोट करके लिख लें इस इक्वेशन को, फिर आपका इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो करवाते हैं। अब बात करते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है, तो आपने क्या लिखना है, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द मीन्स कॉस की स्पेस। अब बात करते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट में, आपके पास जो ये इक्वेशन लिखी है आपने स्टार, इसको आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड करना है, किसका, पोजिशन वेक्टर का करना है, इन सच ए फोर स्पेस। फोर स्पेस मतलब आपके पास भाई पोजिशन की बात कर रखी है, तो पोजिशन में आपके पास एक्स वो होता है, वाई होता है दोस्तों, आपके पास जेड होते, तीन होते हैं, पर यहाँ पे आपके पास भाई मैग्नीट्यूड करके आपके पास ओनली एक्स के कोऑर्डिनेट ले रखे हैं। तो आप एक्स वन का स्क्वेयर, एक्स टू का स्क्वेयर, एक्स थ्री का स्क्वेयर, एक्स फोर का स्क्वेयर, और आप इसमें ये वैल्यू क्या करें, पुटिंग आपने क्या करनी है, हमने मानी सपोज की है एक्स वन की जगह एक्स रखेंगे, एक्स टू की जगह वाई रखेंगे, एक्स थ्री की जगह जेड रखेंगे, एक्स फोर की जगह आप लिखेंगे आयोटा सी टी लिखेंगे। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप करें, नाउ जो आपके पास ये इक्वेशन दिख रही है, आपके पास क्या है भाई, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर प्लस में जेड का स्क्वेयर प्लस में आपके पास एक्स फोर है, इसकी वैल्यू आपके पास आयोटा सी टी है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप करेंगे, आयोटा सी टी हो गया, इसका होल स्क्वेयर हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, यहां से एक्स स्क्वेयर, यहां से वाई स्क्वेयर, यहां से जेड स्क्वेयर, आपके पास यहां से आपके पास क्या होगा भाई, आयोटा स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर आपके पास हो गया। अब बात आती है आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस का वन होती है। यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करें तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस में सी टी का स्क्वेयर दोस्तों। तो दोस्तों आप ये यहां तक कर दें, यहां तक आप इसको मैथमेटिकल को करके दिखा दें, काफी आपके पास होने का, तो आपके पास भाई कई बुक में दे रखा है भाई, आप देखेंगे उसमें बड़ा है। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन दे दी, मेन जो चीज है आपने डेफिनेशन दे दी, आपने मैथमेटिकल पार्ट दोस्तों समझा दिया भाई इसका ये। तो दोस्तों पहला आपके पास ये टॉपिक है मींस कॉस की स्पेस का, ये आपके पास पूरा होता है, आप इसे नोट करिए, पॉज करिए, अपने नोट्स बनाइए इसके। फिर बात करेंगे आपके पास फोर वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, काफी बार पूछा जाता है फोर वेक्टर के बारे में, नोट करिए, पॉज करिए इसको। आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया, मैं इसको रब कर देता हूं भाई। अब बात आती है आपके पास फोर वेक्टर क्या होता है, जो आपने देखे भाई एक्स वाई जेड देखा और आपने टी देखा है, ये सारे के सारे क्या आपके पास फोर वेक्टर हैं। आप लिखें
वेक्टर। आपके पास काफी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन द टर्म ऑफ द फोर वेक्टर एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपने इसके डेफिनेशन देनी है और अपने एग्जाम्पल भी बताने हैं इसके। एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर के आते हैं दोस्तों, छोटे क्वेश्चन में बनता है। आपके पास फोर वेक्टर क्या होते हैं, यदि आपके पास डेरिवेशन आता है तो दोस्तों आपके पास बड़े क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों हम टारगेट लेके चलेंगे बड़े क्वेश्चन का आपके पास, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके पास सारा प्रूफ बताएंगे। पहले आप ये हेडिंग डालिए, ए वेक्टर इन फोर डायमेंशनल है, किसके अंदर बात आती है। आपके पास टर्म कौन सी पड़ी है, फोर डायमेंशनल है, मीन्स कॉस की स्पेस। दिस टर्म इज नोन एज ए टर्म इज ए नोन एज ए फोर वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, हमें फोर वेक्टर बोलते हैं। फोर वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। एक ऐसा वेक्टर इन द फोर डायमेंशन मीन्स कॉस के स्पेस में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर वेक्टर बोलते हैं। आप डेफिनेशन नोट करिए, पॉज करिए, फिर आपका एग्जाम्पल बताते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं आगे, आपके पास जो एग्जाम्पल है उनकी चर्चा करते हैं। तो आपके पास फोर वेक्टर है की बात कर रहे हैं, तो आपके पास पहले बात करते हैं आपने लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी के अंतर्गत। दोस्तों आपके पास चार चीजें आती है, दोस्तों आपके पास तीन चीजें हैं, ये तीन आपके पास ही होगी, फोर्थ आपके पास ये आपके पास एग्जाम्पल है, सिक्स्थ आपके पास एग्जाम्पल ये। और दोस्तों आपके पास तीन चार पांच और दोस्तों ये आपके पास छह एग्जाम्पल ये। तो दोस्तों आपके पास काफी एग्जाम्पल है। आपके पास पेपर में पूछ जाते हैं भाई चार, कोई भी चार लिख दिए इसमें। तो आपके पास पहली बात आती है लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी के अंतर्गत क्या होता है। जो पहली बात आती है, जो आपके पास चार्ज की क्वांटिटी होती है वो आपके पास क्या हो, डैश इज इक्वल टू क्या हो। डैश का मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू इसके बराबर वाली क्वांटिटी आपके पास लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। जो आगे हम पढ़ेंगे भाई, टेंसर वाला केस पढ़ेंगे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपके पास सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगे। आप किसी पर का ही टेंशन न ले। फिर बात आती है आपके पास एफ स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास और आपके पास ई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास एफ है फोर्स है, सी वेलोसिटी है आपके पास है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन सीजीएस यूनिट की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये। फिर बात आती है आपके पास है डी अलेम्बर्ट ऑपरेटर आपके पास लिखा जाता है। जैसे आप स्क्वेयर लिखते हैं, स्क्वेयर का डायग्राम बनाते हैं, उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल का स्क्वेयर माइनस वन बाई सी का स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाई डेल टी का स्क्वेयर। ये आपके पास होता है डी अलेम्बर्ट ऑपरेटर होता है। फिर आपके पास बात आती है पोजीशन वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग आपके क्या लिखते हैं, एक्स म्यू लिखते हैं। पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो आपके पास आपको पता है पोजीशन की नोटेशन क्या होती है, आर होती है, तो इसको आप आर लिखिए। फिर आपके पास यहां तक ये टर्म क्या हो गए, आर हो गए आपके पास। फिर बात करते हैं जो आपने आईसीटी लिखा था, याद करिए आपके पास क्या बात आई थी, मीन्स कॉस की स्पेस में बात आई थी। जो आपने लास्ट वाली क्वेश्चन थी एक्स फोर को क्या माना था, आईसीटी माना था। तो दोस्तों इसकी जगह आप क्या लिख दें, आईसीटी लिख दें। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है आपके पास फिफ्थ एग्जाम्पल की, तो इसका फिफ्थ एग्जाम्पल आपके पास क्या है, पी म्यू। और पी म्यू आपके पास दोस्तों क्या होते हैं, इज इक्वल टू माइनस में एम नोट का स्क्वेयर सी का स्क्वेयर। यहाँ पे जो पी म्यू है आपके पास कहलाता है एनर्जी मोमेंटम ऑफ ए फोर वेक्टर की बात होती है। तो दोस्तों ये एग्जांपल इसका ये भी है।
और फिर बात आती है जो आपने ये आर्टिकल जो पढ़ा है अभी पीछे, मीन्स कॉस की जो स्पेस होती है इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि आपके पास ये फोर वेक्टर में था, आपके पास डेफिनेशन आ जाए फोर वेक्टर, उसके एग्जांपल आ जाए, आपने ये लिखने हैं। तो ये आपके पास मीन्स कॉस की फोर, आपके पास इक्वेशन क्या होगी इसकी, फोर्स इक्वेशन एफ म्यू इज इक्वल टू डी पी म्यू बाई डी टाउ हो गया आपके पास, और इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं भाई एम नोट डी यू बाय, आपके पास है यहाँ पे म्यू है, तो दोस्तों आपके पास है डी टाउ आपके पास एज इट इज, तो दोस्तों इस इक्वेशन आपके पास ये होती है। सारे के सारे आपके एग्जांपल है किसके हैं भाई, सारे एग्जांपल आपके पास है फोर्स फोर वेक्टर के सारे एग्जांपल है। दोस्तों इसको नोट करिए, पॉज करिए, फिर इसकी फोर वेक्टर के आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी आपका करवाते हैं। अब बात करते हैं इसकी फोर वेक्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो आप देखिए आप क्या लिखेंगे, फोर वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज, फोर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए यहाँ पे एक्स म्यू का डैश इज इक्वल टू, समेशन लगाइए वी इज इक्वल टू वन से आपके पास फोर की बात आ रही है, मतलब टर्म कहाँ से चलेंगी फोर तक चलेंगी, अल्फा म्यू वी आपके पास और एक्स वी, दोस्तों ये इसकी नोटेशन होती है आपके पास फोर वेक्टर की, ये आपके पास टर्म आगे भी यूज होंगी तो इसकी आपके पास ये आपको लर्न करनी है भाई। ये जो आपके पास मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये इक्वेशन आपने लर्न करनी है। तो ये आपके पास फोर के तहत क्या लिखी है भाई, एक्स वन का डैश, एक्स टू का डैश, एक्स थ्री का डैश, एक्स फोर का डैश, क्योंकि डैश दे रखा है तो आपने डैश लिखी है। अब बात करते हैं आपके पास एक्स म्यू वी, आपके पास भाई ये टर्म है तो आपके पास यहाँ पे गामा, गामा याद करने की ट्रिक आपके पास भाई, यहाँ पे गामा आपके पास, ये आपकी रो होती है और ये आपकी कॉलम होती है जो आप प्लस टू क्लास में पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वन वन होता है, यहाँ पे गामा गामा, यहाँ पे आयोटा बिट्टा गामा, यहाँ पे माइनस का आयोटा बिट्टा गामा, ध्यान रखना यहाँ पे ये दोनों। फिर आपका एक्स वी है उसको आप फोर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर दोस्तों आप इसको लिखेंगे, और ये जर्नल फॉर्म है, ये इसको हमने एक्सप्रेस किया है। अब बात करते हैं इससे आगे आपने क्या लिखना है, विद द कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या कंडीशन है भाई, जो आपके टर्म लिखी है इसको आप दोस्तों क्या कंडीशन है इसकी, तो बात करते हैं, समेशन लगाया आपने म्यू वन इज इक्वल टू आपके पास फोर तक चली, आपके पास यहाँ पे आपके पास है भाई ये वाई टर्म है इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास म्यू वन इसका एक्स नोट का स्क्वेयर, ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब बात आती है आपके पास वी मे रिप्रेजेंट द पोजिशन वेक्टर, जब आप पोजिशन वेक्टर को क्या करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ऑफ ए वर्ल्ड पॉइंट, मतलब जो आपके पास मीन्स कॉस की स्पेस को क्या बोले थे, वर्ल्ड स्पेस पॉइंट बोले थे आपके पास, तो बात आती है आपके पास एक्स म्यू इज इक्वल टू, आपके पास चार चीजें दे रखी हैं यहाँ पे वर्ल्ड पॉइंट, मतलब चार बार एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर, यहां तक के टर्म आप पढ़ चुके हैं, आर लिखते हैं, एक्स फोर को लिखते हैं, आई सी टी लिखते हैं, ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग है, आप ये लिख लें, नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास इससे आगे करवाते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास द फोर वेक्टर एम यू की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जो आपने प्रीवियस लिखा था उसी प्रकार आप उसको लिखेंगे, तो आपके पास एम यू मानना है जहां पे आपने एक्स वन लिखा था, एक्स टू लिखा था, एक्स थ्री लिखा था आपने और एक्स फोर लिखा था, यहाँ पे आपके पास ए की फॉर्म में आगे ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर हो गया, इन तीनों को आपने ए मान लिया और ए फोर को आपने आयोटा ए टी मान लिया। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास वही वैल्यू, ये वैल्यू तो आपके पास मैंने बताया था बीच वाली वैल्यू जो सेम होती है, जो आपकी जनरल है मैंने बंद की थी, जनरल आपके पास फॉर्म थी वो मैंने ब्रैकेट में बंद की थी याद रखना, उसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है, काफी बार यूज होगी अपने याद रखना, यहाँ पे
गामा यहाँ पे, गामा यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे माइनस का अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर आपके पास यहाँ पे आ गए। जैसे आपके पास प्रीवियस में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर थे, यहाँ पे एक्स वन का डैश था यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे ए की फॉर्म में है। अब उसी प्रकार आपके पास क्या थे, जो आपके पास गिवन कंडीशन थी इसकी, तो दोस्तों यहाँ से ए डैश का म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी वन से फोर आपके पास ए म्यू वी ए डैश वी। तो दोस्तों ये है ना सारी बात, ये आपके पास है, तो इसकी ये जर्नल फॉर्म हमने ये लिखी है इसकी। अब बात करते हैं जो आपके पास क्या है कंडीशन है दोस्तों, ये इसकी क्या है कंडीशन आपके पास समेशन के, आपके पास ए डैश का म्यू का फोर, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे दोस्तों डैश नहीं है, इतना चेंजमेंट है। अब बात करते हैं यहाँ से ये कंडीशन आपके पास आ गई, भाई यहाँ से डैश नहीं, यहाँ पे डैश है, तो दोस्तों यहाँ पे डैश लगा दिया, यहाँ पे विदाउट डैश लगा दिया। अब बात करते हैं ए म्यू और ए म्यू के जब आप प्रोडक्ट करते हैं उस फॉर्म को आप कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों उसको लिखते हैं ए वन का स्क्वेयर, ए टू का स्क्वेयर, ए थ्री का स्क्वेयर और ए फोर का स्क्वेयर लिखते हैं। और यहाँ पे आपके पास समेशन ऑफ म्यू वन का 4 है, ए म्यू आपका स्क्वेयर है, तो दोस्तों आपके पास ये फॉर्म है, ए फोर आपके पास ए टी के फॉर्म में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि आपके पास मीन्स कॉस की स्पेस और वोर वेक्टर स्पेस दोस्तों आज की इस वीडियो में थे। तो दोस्तों अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए, और दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करिए, तो नीचे आपको सब्सक्राइबर वाला बटन दिख रहा है उसको दबाएं, ताकि दोस्तों भविष्य में हर अपडेट आप तक तो ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।